नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, यूपीपीएससी बीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई है वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग जानते हैं, लोक सेवा आयोग जो है किसी भी परीक्षा की कट ऑफ पहले जारी नहीं करता है। होना ये चाहिए कि जैसे रिजल्ट जारी हो उसी के साथ कट ऑफ भी जारी हो, जैसे अन्य भर्तियों में होता है। लेकिन लोक सेवा आयोग का अलग नियम है, ये कट ऑफ बाद में जारी करता है जब प्रारंभिक परीक्षा पूरी हो जाती है, मुख्य परीक्षा पूरी हो जाती है, अगर लिखित इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू पूरा हो जाता है। यानी कहने को मतलब पूरी भर्ती पूरी होने के बाद फिर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर जारी की जाती है। अब सभी अभ्यर्थियों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि आखिर कट ऑफ कितनी गई है, उत्सुकता होती है। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ तो बोर्ड ही जारी करेगा, आयोग ही जारी करेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो कट ऑफ यहाँ पर गई है, जो अभ्यर्थियों ने अपने नंबर शेयर किए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो पिछली मतलब जितना सोचा था उससे कुछ कट ऑफ यहाँ पर कम गई है, खासकर एससी वर्ग की, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं नीलम मिश्रा जी, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा 68 पे हुआ है। तो ये जनरल वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनका जो है 68 पर चयन हुआ है। और कई सारे अन्य मित्रों ने भी यही बात बताई कि 68 69 पर उनका भी हुआ है। हालांकि इससे जो कम है वो भी कुछ एक दो तो विवादित तो इसमें भी हैं कि उनका कम पर भी हुआ। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। दीपक तिवारी हैं और ये कह रहे हैं 65 हुआ है मेरा, तो मतलब इनका जो है 65 में चयन हो गया है। तो अब ये इनका किस तरीके से चयन हुआ है, क्या ये ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आती हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल के जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ होती है उससे थोड़ा सा कम जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका 65 पर भी हुआ है, बाकी अधिकतर छात्रों का यही कहना है कि 68 कट ऑफ जो है जनरल वर्ग की गई है। ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी में कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया। ओबीसी ने कुछ ने बताया है 66 की 66 कट ऑफ गई है, 66 पर उनका चयन हुआ है। लेकिन एक दो ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनका चयन 65 पर हुआ है। तो ओबीसी का जो है वो लगभग 65 या 66 इसी के बीच गई है। एग्जैक्ट तो आप कोई बता ही नहीं सकता, एग्जैक्ट तो आपको बोर्ड ही बताएगा। ठीक है, वहीं पर एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी की कट ऑफ जो है काफ़ी कम गई है। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, हरिओम जी हैं, इनका कहना है कि एससी में 59 पर इनका सिलेक्शन हो गया है। और कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि 58 में भी उनका चयन हुआ है। तो कहने का मतलब जो एससी की कट ऑफ है वो 58 हमारे अकॉर्डिंग गई है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि हम ऑफिशियल कट ऑफ बता रहे हैं, जो अभ्यर्थियों द्वारा अपने नंबर शेयर किए गए, कट ऑफ शेयर की गई वो हम आपको इसमें बताया है। एक संभावित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए आप लोग ऑफिशियल कट ऑफ का इंतजार करें, वो आपका रिजल्ट के बाद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का पूरा वीडियो, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका इससे कम पर चयन हुआ है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कितने पर आपका चयन नहीं हुआ वो भी बताइएगा। धन्यवाद।